वृंदावन घूमना है तो सबसे पहले आपको मथुरा की ट्रेन बुक कर लेनी है, और अगर आपके साथ लड्डू गोपाल है तो उनको भी अपने साथ ले करके आइए। और अब आप शांति से अपनी सीट पर लेट जाइए और राधा नाम जप करते रहिए। हो सकता है शायद आपको नींद ना आए, क्योंकि वृंदावन जो जाना है आपको, तो देखते देखते सुबह हो जाएगी और आप धीरे धीरे मथुरा पहुंच जाएंगे। सबको उतर जाने दीजिए स्टेशन पे, एकदम लाइन से खड़े रहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से आप उतरिए। स्टेशन पे उतरने के बाद आपको रिक्शा वाले ऑटो वाले बहुत सारे चार्ज बताएंगे, बहुत हैवी रेट्स होते हैं इनके, तो आप यहाँ से मत कुछ भी बुक कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर निकलना है। जी हाँ, आप मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर आइए और यहीं से आप वृंदावन जाने के लिए रिक्शा बुक कीजिए। अगर आप बाहर आकर के रिक्शा बुक करते हैं तो आपको ई रिक्शा वाला जो है आपको 250 से 300 रुपये तक चार्ज करेगा वृंदावन छोड़ने का। वृंदावन पहुंच के सबसे पहले आपको एक होटल या धर्मशाला ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। दो लोगों के लिए धर्मशाला आपको 400 से 500 रुपए के आसपास, और अगर आप अच्छा रूम लेते हैं तो वो आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास पड़ सकता है। तो रूम में पहुँचने के बाद नहा करके आप रेडी हो जाइए सबसे पहले दर्शन के लिए। नहाने के बाद एवरीवन हम हो गए हैं रेडी, और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं दर्शन के लिए। कि होटल से ही हमने ई रिक्शा बुक कर लिया था जो कि हमें बांके बिहारी मंदिर लेके जाने वाला है, और 100 रुपये चार्ज करने वाले हैं ये। रिक्शा वाले ने हमें उतार दिया यहीं पे, क्योंकि इससे आगे रिक्शा जाता नहीं है, और हम लोग पहुँच चुके हैं अब बांके बिहारी मंदिर। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये जाता है बांके बिहारी मंदिर के लिए, और काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो इसलिए जूते चप्पल आप अपने होटल में उतार ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप किस गेट से निकलेंगे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। फूल माला जरूर ले लीजिए, यहीं पे आपको पेड़ा भी मिल जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, लेकर के आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। लाइन बहुत काफ़ी लंबी लगी है, हम लोग भी भीड़ के सबसे पीछे खड़े हुए हैं, और धीरे धीरे हम लोग भी अब आगे की ओर आ जाते हैं दर्शन के लिए। एकदम सामने से दर्शन होते हैं और पंडित जी हमें फूल पहनाते हैं और कुछ प्रसाद भी देते हैं, खस्ता और कुछ मिठाई उठाई होती है। और इसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, श्री राधा रानी के दर्शन भी जरूरी हैं। ये एकदम सीढ़ी के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, सीढ़ियों पे बहुत ही ध्यान से रहिए क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। दर्शन के बाद बोलिए जय श्री राधा रानी की जय। इसके बाद भी हमें प्यास लगती है, गला सूख जाता है, तो हम लोग सोडा सिकंजी पीते हैं, और ये सोडा सिकंजी हमारे कैमरा मैन के लिए। तो दर्शन हमारा कम्प्लीट हो जाता है और अब हम लोग, रात हो चुकी है, हम लोग गौ को चारा भी दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निधिवन कैसे घूमें, तो अगले दिन हमारा निधिवन का दर्शन होगा, तो हम निधिवन के बारे में बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।